Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about some important parameters which we will use in the calculation of consolidation settlement. So GeoTech 1 के अंदर हम ये parameters को discuss करेंगे और जब GeoTech 2 आप next semester में पढ़ेंगे उसके अंदर in detail जो parameters हैं इनको इस्तेमाल करते हुए consolidation settlement को calculate करेंगे. तो आज का topic जो है वो दो पैरामीटर्स के हवाले से होने वाला है जिसको हम कंप्रेशन इंडेक्स सीसी के आते शो करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जिसको हम सीवी से शो करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो तीन तरीकों से मेजर किया जा सकता है जिसमें कैसेग्रेन मेथड है, टेलर स्केयर फूड मेथड है और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज. Terzaghi put forward a theory for primary consolidation of soil with itself. It is possible to make reasonable estimate at the magnitude and the rate of settlement of a structure placed on soil. तो हम consolidation के जो parameters हैं उनके जो calculate करने वाले हैं वो basically उसका idea है Terzaghi ने forward किया था. इसको one dimensional consolidation भी कहा जा सकता है क्योंकि हम इसके अंदर ये assume करते हैं कि water की जो movement है वो सिर्फ vertical direction में, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एज्यूम नहीं करते कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर मूव कर सकेगा. वाटर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगा, इसलिए इसको वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी भी कहा जाता है. इन द डेवलपमेंट ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड. द सॉइल मास इज कंप्लीटली सैचुरेटेड. कंसोलिडेशन के केस में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम वाटर जो है सॉइल उसका फुली सैचुरेट होना जरूरी है. अच्छा, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम अनसैचुरेटेड सॉइल के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेटलमेंट, लेकिन वो हाईली अनरिलायबल होगी. सेकेंड अजम्पशन ये है कि वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल. देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड प्रेशर एंड द वॉल्यूम चेंज. चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल कॉजेस अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वॉटर रेशियो. द सीपेज फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन डायरेक्शन ओनली. Darcy law is applicable. The deformation is one dimension. So deformation जो है one dimension में है, यानी कि vertical direction में से. Soil mass is homogeneous. The coefficient of permeability is constant. तो ये सब assumptions हैं जो Terzaghi की one dimensional consolidation theory के वाले से. अच्छा, दो parameters जो मैंने आपको बताया हम इस lecture में study करेंगे. The consolidation characteristics of the soil are the compression index CC, जिसको हम coefficient consolidation भी कहते हैं, और जो CC है वो compression index है, जो CV है वो coefficient of consolidation है. CC जो है वो आपको ये बताता है कि how much consolidation settlement will occur, जबकि CV जो है वो basically ये बताएगा आपको कि how long it will take for an amount of consolidation to take place. तो आप इसमें याद कर सकते हैं कि CC ये बताएगा कि सेटलमेंट कितनी होनी है, जबकि सीवी ये बताएगा कितना टाइम लगेगा उस सेटलमेंट को होने के लिए. तो लेबोरेटरी में जो है जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं या इसको हम ऑडियोमीटर टेस्ट भी कहते हैं, तो ये इसका टिपिकल सेटअप जो है वो शो किया गया है. हमारे पास सेंटर में सॉइल स्पेसिमिन है, टॉप और बॉटम के ऊपर हम पोरस स्टोन रखते हैं और इसके टॉप के ऊपर हमारे पास एक लोडिंग प्लेट होती है. अच्छा, लोड लगाने के कई तरीके होते हैं. एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक स्टील बॉल को रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्रेशर लगाते हैं. देन वी हैव द डायल गेज रीडिंग. तो इस डायल गेज से आपको ये पता चल जाता है कि इस पर कितना लोड लग रहा है, या इस डायल गेज से आपको ये भी पता चल सकता है, मल्टीपल डायल गेजेस भी यूज किए जा सकते हैं. तो ये डायल गेजेस हमें ये बता सकते हैं कि जो सॉइल है वो कितनी कंप्रेस हो रही है या लोड कितना लग रहा है. मैं डिटेल में आपको उसकी कैलकुलेशन शीट्स भी शेयर करूंगा आपसे. तो इसको फुली सैचुरेट किया जाता है. अब देख सकते हैं कि वाटर बाथ के जब वर्ड लिखा हुआ, तो सॉइल हमारी फुली सैचुरेट होती है, तो उसके बाद हम इस पे जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं. सैंपल जो है वो डिस्टर्ब सैंपल भी लेके आप टेस्ट कर सकते हैं और अनडिस्टर्ब सैंपल लेके भी कर सकते हैं. तो नेचुरली जो अनडिस्टर्ब सैंपल होगा उसके रिजल्ट बहुत रिलायबल होते हैं. तो एक फर्दर डिटेल है ऑडियोमीटर टेस्ट के वाले से कि जो ऑडियोमीटर टेस्ट होता है उसके अंदर अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब या रिमोल्डेड. रिमोल्डेड का मतलब डिस्टर्ब सैंपल, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. टॉप और बॉटम के ऊपर हम पोरस स्टोन पे की प्लेट्स रखते हैं ताकि जो, और साथ ही हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ड्रेनेज होगी सिर्फ वन डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी. देन हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं स्टील बॉल का, मैंने जिससे आपको पहले एक्सप्लेन किया है. उसका पर्पज ये होता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वो सॉइल के ऊपर रख सकें.
देन डायल गेज होते हैं जो डेफॉर्मेशन मेजर कर सकते हैं सैंपल की। अच्छा, जो सॉइल का सैंपल होता है जिसकी डायमेंशन है वो मोस्टली डायमीटर जो है 3 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है, जबकि उसकी थिकनेस जो है 1 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान में होती है। अगर आप डायमीटर टू हाइट रेशियो निकालें तो ये 2.5 to 5 बनती है। अच्छा, इस बात को इंश्योर किया जाता है या इस बात की कोशिश की जाती है कि जो सैंपल की हाइट है वो लेस हो एज कम्पेयर टू डायमीटर। जितनी हाइट सैंपल की कम होगी उतने चांसेस ये हैं कि जो साइड फ्रिक्शन है, जो साइड पे आपका रिंग है या जो बॉक्स है उसकी फ्रिक्शन कम से कम होगी तो सैंपल हमारा कम से कम डिस्टर्ब हो। अब लोड की इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो उस पर हम लोड जो है 0.5 kg/cm² पे लगाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम में यूनिट्स जो है वेरी हो सकते हैं, आप पाउंड के अंदर भी लगा सकते हैं और अगर आप ऐसे ही सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो तो kg/cm² के अंदर भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने इनिशियल जो लोड लगाया है वो 0.5 kg/cm² है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका इसका ट्वाइस होता है पहले का, तो ये 1 हो जाएगा, फिर सेकेंड 2 हो जाएगा, फिर 4, 8, 16, 32। इन दिस वे हम इसके ऊपर जो लोड है इंक्रीमेंट लगाते हैं। अच्छा, जब हम उस पर लोड इंक्रीमेंट लगाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है बहुत ही एक्यूरेट आए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि हर जो लोड इंक्रीमेंट है उसको 24 घंटे के लिए मेंटेन रखते हैं। यानी कि आपने उस पर अगर 0.5 kg/cm² लोड लगाया तो आप 24 घंटे तक यही लोड उसके ऊपर रखेंगे और आप रीडिंग नोट करेंगे विद टाइम, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे बाद नोट की रीडिंग, फिर 2 घंटे बाद नोट की, फिर 4 घंटे बाद नोट की, लेकिन लोड आपका जो है वो तकरीबन 24 घंटे तक एक ही लोड रहेगा। तो अगर आप इसको 24 घंटे के हिसाब से टेस्ट कर रहे हो तो आप ये देख सकते हैं एक, तो ये तकरीबन जो है 7 दिन का टेस्ट है, कंसोलिडेशन टेस्ट या ओडोमीटर टेस्ट है। अगर आपको लेस रिलायबल रिजल्ट चाहिए तो आप 4 से 5 घंटे के बाद भी लोड इंक्रीमेंट चेंज कर सकते हैं, उसमें 5 घंटे 0.5 kg/cm², उसके बाद फिर 5 घंटे के लिए 1 kg/cm². लेकिन मोस्टली जो फॉलो की जाती है जो रिकमेंडेशन है वो 24 घंटे के लिए लोड को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अब रीडिंग जो अपने टाइम की नोट करनी है, अब देख सकते हैं एक पैटर्न है जिसमें 0.25 मिनट पे एक रीडिंग नोट की है, देन 0.5 मिनट पे, फिर 1, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट। इन दिस वे अब ये मीटिंग टाइम के लिहाज से रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब रीडिंग में जो है आपकी डायल गेज की रीडिंग होगी, लोड जो है वो तो कॉन्स्टेंट है जो 24 आवर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल रहेगा, तो आपकी जो सैंपल की कंप्रेशन है जस्ट उसकी रीडिंग चेंज होती रहेगी टाइम के साथ। तो ये एक टिपिकल टेस्ट की रीडिंग है। एलएफ टाइम से मुराद ये है कि ये टाइमिंग जिस पर आप टाइम नोट कर रहे हैं, मसलन 0 आवर्स पर स्टार्ट किया, उसके बाद 0.5 मिनट पे रीडिंग नोट की, 0.5 मिनट पे नोट की, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 4 मिनट पे। तो इनिशियली अगर हमारे पास आपने जब लोड लगाया, लेट से आपका लोड यहाँ पे 0 था, तो 0 पे डायल गेज की रीडिंग 1000 थी सैंपल की कंप्रेशन की, हमने 0.5 kg/cm² लोड लगाया तो 0 पे 1000 थी, 0.5 मिनट के ऊपर क्या हुआ कि वो रीडिंग डिक्रीज होना शुरू होगी यानी कि सैंपल कंप्रेस होना शुरू हो गया। तो ये रीडिंग अब अगर आप देखेंगे तो 970 पे पहुंच जाती है 24 घंटे के बाद। उसके बाद आपने क्या किया कि लोड का इंक्रीमेंट 1 kg पे चले गए, तो आप फर्दर देखेंगे फर्दर सैंपल की हाइट डिक्रीज होना शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें इसी पैटर्न में फॉलो करते करते ये मैक्सिमम लोड जब आप लगाएंगे तो देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो 1000 रीडिंग थी वो अब 735 हो गई है, क्योंकि यानी कि सैंपल इतना तक कंप्रेस हो गया लास्ट लोड इंक्रीमेंट के ऊपर। जब आपका लास्ट लोड इंक्रीमेंट अटेंड हो जाता है तो उसके बाद हम उसको अनलोड करते हैं लोड को। लेट से हमारे पास 32 kg भी हमने मैक्सिमम लोड लगाया था, तो हम क्या करेंगे उसके बाद उसको 8 kg लोड लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये हमारा अनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सैंपल वापस कितना आ रहा है। तो आगे तो भाई ये देखें 735 जो है ये रीडिंग कम है और ये रीडिंग ज्यादा है 744। इसका मतलब ये है कि सैंपल की हाइट दोबारा इंक्रीज हुई है, पहले डिक्रीज हुई थी, यहाँ पे जबकि जब आपने अनलोड किया तो थोड़ी सी हाइट जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है। तो जो अनलोड लोडिंग होती है वो नॉर्मली 3 स्टेजेस में की जा सकती है, ऐसा 8 kg पे, फिर 2 kg पे, फिर 0.5 kg के लिहाज से, तो फिर 0 पे जाके मुकम्मल 0 जब अनलोड कर देंगे तो ये फाइनल जो आपका स्पेसिमन है उसकी हाइट जो है वो 800 पे पहुंची। तो जो स्टार्टिंग थी 1000 डायल गेज के लिहाज से, अब वो 800 है अनलोडिंग होने के बाद। बॉटम पे जो है कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, मतलब वेट ऑफ रिंग क्या है, वेट ऑफ सॉइल क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी रिंग है,
ये सब पैरामीटर्स जो है आपको ड्राई डेंसिटी, बेल्ट डेंसिटी या मॉइस्चर कंटेंट के क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फर्दर डिटेल है उसकी एक्सेल, मैं आपको जो है लेटर ये एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि आप ये सब पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिंग डाया, रिंग हाइट, वॉल्यूम है, वेट ऑफ रिंग है, रिंग प्लस सॉइल का वेट है, मॉइस्चर कंटेंट है, बल्ट डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इनिशियल वॉइड रेशियो है, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है, हाइट ऑफ सॉइल है। तो ये लोड का इंक्रीमेंट है यहाँ पे, और ये प्रेशर जो है लोड पर जनरेट एरिया से प्रेशर जो है कितना लग रहा है सॉइल स्पेसिमन के ऊपर, डायल गेज की रीडिंग है। डायल गेज की रीडिंग जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, एक्चुअल चेंज मिलेगा मिलीमीटर के अंदर। एक्यूमुलेटिव चेंज है यानी कि एक्यूमुलेटिव हाइट कितनी वेरी कर रही है, तो 2 मिलीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटिव हाइट जो है वो चेंज की है। तो ओरिजिनल हाइट अगर फर्स्ट का स्पेसिमन की 19 थी तो फाइनल स्टेज पे जाके वो 17 मिलीमीटर रह गई। देन हमारे पास स्ट्रेन है जो चेंजिंग लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ से कैलकुलेट की जा सकती है। देन वाइड रेशियो है, देन हमारे पास सीसी पैरामीटर है। सीसी पैरामीटर अब ये ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो अभी आपको लेटर स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। देन एनवी है, ये भी पैरामीटर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन यंग मॉडुलस है, तो हम कंसोलिडेशन टेस्ट से ये पैरामीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट है जो मैंने आपको पहले एक्सेल शीट शो की गई है, ये उसी का ग्राफ है। हमारे वाई एक्सिस जो है वाइड रेशियो है, और एक्सेस के ऊपर हमारे पास लॉग स्केल के अंदर प्रेशर की प्लॉटिंग हुई हुई है जो प्रेशर उस पर हम लगा रहे हैं। तो ये देखें, ये लोडिंग सिनेरियो है और ये जो बॉटम है ये हमारे पास अनलोडिंग सिनेरियो है। तो ये टिपिकल जो है ओडोमीटर टेस्ट या कंसोलिडेशन टेस्ट की ग्राफ है। अच्छा, लोड डेफॉर्मेशन कर्व जो है इज यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट कंप्रेशन इंडेक्स विच इज यूज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सेटलमेंट एंड सेटलमेंट एनालिसिस। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये पैरामीटर जो है सेटलमेंट एनालिसिस के अंदर कैलकुलेट होंगे। तो लोड डेफॉर्मेशन कर्व अगर हमारे पास हो गए तो हम उससे कंप्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, सीसी कैलकुलेट करेंगे। टाइम डेफॉर्मेशन कर्व आर यूज टू कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी। तो सीवी के लिए हमें टाइम डेफॉर्मेशन कर्व चाहिए, जबकि लोड डेफॉर्मेशन कर्व हमें चाहिए सीसी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, कंसोलिडेशन टेस्ट का डेटा जो है वो परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कॉन्स्टेंट या फॉलिंग हेड तो लैब में यूज करते हैं परमेबिलिटी मेजर करने के लिए, लेकिन अगर हम चाहें तो कंसोलिडेशन टेस्ट का डाटा भी इस्तेमाल करके परमेबिलिटी की वैल्यूज मेजर कर सकते हैं, ये इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स की बात करते हैं, तो कंप्रेशन इंडेक्स के लिए हमारे पास वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ पी, ये अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो हम इससे कंप्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकेंगे। कंप्रेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है ये दो वाइड रेशियोज की डिफरेंस है और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग जो है प्रेशर का डिफरेंस है। आप इस कर्व में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास डिमेंशन है, ये जो आपका पैरामीटर है जिसमें आपने दो रेशियो ली है वाइड रेशियो की और उसको लॉग P1 P2 यानी कोरस्पॉन्डिंग टू E1 के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है P1 है, E0 के कोरस्पॉन्डिंग जो है P0 है। इसके रेशियो अगर आप लेते हैं तो यहाँ से आप कंप्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर अगर आपने परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, K इज ए परमेबिलिटी, तो आपने आपको MV पता होना चाहिए, गैमा ऑफ वाटर जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो अगर आपने परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपके पास CV और MV इन दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि MV कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर CV कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MV जो है उसका फॉर्मूला ये है, 1/(1+E0) into ΔE/ΔP। अच्छा, ΔE/ΔP को कभी कभार AV से भी शो किया जाता है। तो AV जो है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। तो AV जो है कोफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी है जो बराबर है ΔE/ΔP के। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके पास वॉइड रेशियो वर्सेस प्रेशर का ग्राफ होना चाहिए। ये लॉग ऑफ प्रेशर नहीं है, सिंपल प्रेशर का ग्राफ है। सिमिलर केस में आपने दो वाइड रेशियो की रेशियो डिफरेंस लेना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर का रेशियो लेना है तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकल आएगा। अगर आपके पास कोफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी निकल आता है तो यहाँ से आप 1+E0 पे से डिवाइड करके MV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं।
समटाइम जो है वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के हवाले से भी कहा जाता है कि हमें ये बताएं कि सेटलमेंट आपने कैलकुलेट करनी है उस स्टेज के ऊपर जिस वक्त लेट से 40% कंसोलिडेशन अचीव हुई हो, 100% ना हुई हो। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का अगर कोई चीज कहा जाती है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए आपको जस्ट ये सिंपल फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है तो आपके पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये ग्राफ से भी आ सकती है और कुछ इंपेरिकल रिलेशन भी है जिससे आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको शो करता हूँ। अच्छा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो ये हो गया कि कितने परसेंटेज कंसोलिडेशन हो चुकी है। अब फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि अगर लेट्स से 40% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो चुकी है तो टाइम ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा, कि उस वक्त टाइम कितना लगा होगा कंसोलिडेशन के लिए। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है टाइम फैक्टर के हवाले से। टाइम फैक्टर बराबर होता है टी सी वी और एच स्क्वायर के। अच्छा, सी वी जो है मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको मैं कमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये स्मॉल कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो उससे लिंक कर रहे हैं जो आपको फर्दर आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि सी वी कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया टाइम फैक्टर के हवाले से, यू जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का क्वेश्चन में कहा जाता है कि 40% है, या आपसे पूछा था कि 40% कंसोलिडेशन के लिए टाइम फैक्टर कैलकुलेट करें। तो 40% कंसोलिडेशन के लिए आपने ये ऊपर वाला जो पहला फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला जो है ये लेस देन 60% कंसोलिडेशन के लिए टी इज इक्वल टू पाई ओवर 4। यहाँ पे अगर 40 की बात की जाती है तो यहाँ पे 40 ओवर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप टाइम फैक्टर टी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वो ग्रेटर देन 60% होगा तो टाइम फैक्टर टी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है तो आपको ये चार्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है जिसमें ये मेंशन होगा कि लेट्स से ये 50% कंसोलिडेशन है, 0.5 50% का मतलब ये 0.5 है। तो यहाँ से भी अगर आप जो है अगर आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है तो टाइम फैक्टर टी यहाँ से डायरेक्टली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 0.8 यानी कि 80% कंसोलिडेशन होगा तो टाइम फैक्टर आपने जो लेना है कैलकुलेशन के अंदर वो 0.567 होगा। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम है। मसाल के तौर पर इस प्रॉब्लम के अंदर आपने एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंप्रेशन इंडेक्स की। डाटा जो है ई नोट ई वन का और सिग्मा नोट और सिग्मा का डाटा गिवन है, तो इसको आप इस्तेमाल करते हुए एम वी और सी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो फॉर्मूले में मैंने पिछले स्लाइड में आपको शो किए हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम है, इसके अंदर इनिशियल वायर रेशियो कैलकुलेट करनी है, फाइनल वायर रेशियो और टोटल सैंपल स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सी वी कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी तक हमने सी सी की कैलकुलेशन को देखा है, एम वी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज को कैलकुलेशन को देखा है, ए वी को देखा है कोफिशियंट कंप्रेसिबिलिटी को। अब हम जो है सी वी को कैलकुलेट करने का देखेंगे इसके प्रोसीजर क्या है डिटेल के अंदर। तो सी वी जो है ये भी ओडोमीटर टेस्ट से कैलकुलेट की यानी कंसोलिडेशन टेस्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सी वी को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, और तीसरा तरीका जो है जो मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज यानी कि एमवी से बताया वहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले हम कैसाग्रैंड का तरीका डिस्कस करेंगे, देन टेलर स्क्वायर रूट का तरीका जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब चीजें जो है टेक्स्ट में इन रिटन में डिटेल में लिखी है, मैं आपको ग्राफिकल ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ है, इसके वाई एक्सिस पे डायल गेज की रीडिंग है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास लॉग ऑफ टाइम है। तो टाइम जो हमने इलेप्स टाइम है वो लॉग ऑफ टाइम का ये स्केल है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लॉट बनता है। तो सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमने जो चीज पहले कैलकुलेट करनी है, अगर हम कैसाग्रैंड की बात करते हैं तो कैसाग्रैंड की जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो ये है कि टाइम फैक्टर बराबर होगा सीवी टी 50 ओवर एज स्क्वेयर। ये ड्रेनेज पाथ यानी कि हाइट ऑफ स्पेस में अगर वन डिमेंशन की बात कर रहे हैं तो टोटल हाइट जहां से वाटर जो है स्केप हो रहा है। तो कैसा ग्रेंड की अगर आपने बात करनी है तो आपको T50 स्मॉल T50 चाहिए। ये स्मॉल T50 आपको ग्राफ से मिलेगा। कैपिटल टी जो है टाइम फैक्टर है, ये आपको टेबल से मिल सकता है या जो आपको मैंने आपको एम्पिरिकल रिलेशन बताया वहां से टाइम फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके आप सी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T50 आपको चाहिए। तो कैसा ग्रेंड के केस में आपको T50 चाहिए, और मैं अभी आपको बता देता हूँ जो आपका सेकेंड
आगे आने वाला तरीका है जो टेलर स्केयर रूट वाला तरीका है, उसमें आपको T90 चाहिए होता है। तो T50 चाहिए कैसेग्रेड में, T90 चाहिए आपको टेलर स्केयर रूट मेथड के अंदर। अब दोबारा ग्राफ पे आते हैं, तो कैसेग्रेड के केस के हमें T50 यानी कि टाइम कोरिस्पोंडिंग टू 50 जो कंसोलिडेशन है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। अगर आपके पास ये ग्राफ बनता है तो आपने करना क्या है कि ये जो इनिशियल, ये हमारे पास इनिशियल स्टेज होती है, ये प्राइमरी कंसोलिडेशन की है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास जो प्राइमरी कंसोलिडेशन की कर्व है वो ये है, बीच वाला पोर्शन जो है। अगर आप गौर करेंगे इस पोर्शन को तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि ये कर्व जो है यहाँ से इसमें चेंज हो रही है। तो अगर आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ हुई भी है, और आपके पास जो लास्ट कर्व है अगर वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इस पॉइंट पे जाके टच करते हैं, क्रॉस करेंगे आपस में। ये जो पॉइंट है ये आपको बताएगा डेलगेट एज रीडिंग कोरिस्पोंडिंग टू 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये आपके पास R100 से शो किया गया, तो ये हमारे पास डेलगेट रीडिंग है कोरिस्पोंडिंग टू 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन। अच्छा, अब आपने इसके बाद क्या ये करना है कि आपने जो इनिशियल कर्व है हमारे पास जो इमीडिएट या स्टेटलमेंट के केस में आपको प्रीवियस टिपिकल कर्व में मैंने शो किया था, तो इस इनिशियल कर्व पे आपने एक पॉइंट पिक करना है और एक सेकंड पॉइंट पिक करना है जो इनिशियल जो फर्स्ट पॉइंट का 4 times होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 1 minute है तो ये 4 minute होगा सेकेंड टाइम, ठीक है, यानी कि 4 times ऑफ T1 जो होगा वो ये पॉइंट आपके पास आएगा। इन दोनों के पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग आपने डायल गेज रीडिंग जो है वो नोट कर देनी है। तो आपके पास एक हाइट आ जाएगी, लेट्स से इसको Z1 कहा गया इस फिगर के अंदर, तो आपने उतनी ही हाइट एक ऊपर लेके तरफ लेके जानी है, यानी कि अगर ये Z1 है तो ये भी Z1 होगा। ये जो पॉइंट अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो ये आपको डायल गेज रीडिंग देगा कोरिस्पोंडिंग टू 0% ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसको हमने R नोट से शो किया। तो ये R नोट है और ये R100 है, अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो यहाँ पे आपके पास R50 आ जाएगा। इस R50 से अगर आप एक्सटेंड करके टाइम स्केल पे आएंगे नीचे तो आपके वो इजीली T50 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैसेग्रेड का जो तरीका है उससे आप ओडोमीटर टेस्ट का डाटा इस्तेमाल करते हुए T50 की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते। जो चीज़ें मैंने अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन की हैं यही चीज़ें रिटर्न के अंदर इसमें हैं, तो काइंडली इसको गो थ्रू करें, कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इस पर आप CV की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। T टाइम फैक्टर है डिग्री कंसोलिडेशन के लिहाज से, H ड्रेनेज पाथ है, T50 अभी हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से आप CV यानी कोएफिशिएंट कंसोलिडेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड यानी कि टेलर के मेथड के हवाले से, तो ये भी मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो वाई एक्सिस है वही डायल गेज रीडिंग है, लेकिन जो हमारे पास एक्सिस है वो स्क्वेयर रूट ऑफ टाइम है, तो आपने प्लॉटिंग जो करनी है ग्राफ की वो डायल गेज की रीडिंग और स्क्वेयर रूट ऑफ टाइम के लिहाज से प्लॉटिंग करनी है। तो हमारे पास अगर ये कर्व बनती है तो आपने क्या करना है कि इनिशियली जो कर्व है उसे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे ये लाइन आपको मैं शो कर रहा हूँ, तो ये आपको टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक समझे 100 unit की एक लाइन देगा। तो आपने क्या करना है, अगर ये 100 unit है तो 15 units आगे जाना है और वहां से एक स्ट्रेट लाइन दोबारा इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये टेंजेंट जो है, अगर फर्ज करें आपका जो कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जब टेंजेंट एक्सटेंड करेंगे तो ये टेंजेंट बैक साइड पे भी जाएगा, जहां पे जाके डायल गेज की रीडिंग को टच करेगा वो आर नोट हो जाएगा, यानी कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे आपकी 0% प्राइमरी कंसोलिडेशन होगी। तो 100 units पे टच करने के बाद 15 units आगे आपने और बढ़ाए तो ये 115 units बन जाएंगे। तो 0 point से अगर आप 115 units आगे जाते हैं और वो स्ट्रेट पॉइंट दोबारा आर नोट को टच करते हैं, तो ये जो लाइन जब जाते हुए ओरिजिनल कर्व से क्रॉस करेगी या टच करेगी, ये पॉइंट आपको R90 देगा, यानी कि ये वो पॉइंट है जो यहाँ पे 90% प्राइमरी कंसोलिडेशन डायल गेज रीडिंग है, ठीक है। तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो टाइम होगा एक्सेस के ऊपर वो T90 होगा। तो ये T90 की वैल्यू जो है हम टेलर स्केयर रूट का जो फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये फॉर्मूला तकरीबन वही है जो
कैसाग्रैंड में शो किया गया था, कैलकुलेशन का तरीका फर्क है। तो कैसाग्रैंड के तरीके में ये T50 था, तो टाइम फैक्टर टी की वैल्यू अपने T50 के लिए हासिल ली थी, यानी कि 50% डिग्री कंसोलिडेशन के लिए हासिल ली। यहाँ पे T90 है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर की वैल्यू जो है वो 90% डिग्री कंसोलिडेशन के लिए हासिल होगी। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप सीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसाग्रैंड से भी कर सकते हैं, स्क्वेयर रूट से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के लिहाज से, जिसमें आपने एवी यानी कोएफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी कैलकुलेट किया था, तो उस तरीके से भी आप जो है ये पैरामीटर सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बुक का रेफरेंस दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करें। अगर इसके अलावा कोई और इश्यू होगा तो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करनी है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए आपको लाजमी तौर पर ये पैरामीटर्स की एक्यूरेट कैलकुलेशन आना ज़रूरी है। यानी कि सी सी कैसे कैलकुलेट होगा, सी सी का मतलब क्या है, सी वी कैसे कैलकुलेट होगा, सी वी का फिजिकल मीनिंग क्या है, एम वी का फी मतलब क्या है, ए वी का मतलब क्या है, और ग्राफ में किस केस के अंदर आपने मिसाल के तौर पर टेलर स्क्वेयर रूट के अंदर आपने डेल गेज रीडिंग को प्लॉट किया है स्क्वेयर रूट अंडर रूट ऑफ टी के लिहाज से। लेकिन जो कैसाग्रैंड का तरीका था उसके अंदर आपके पास अंडर रूट ऑफ टी नहीं था, सिंपल टाइम था और साथ डेल गेज रीडिंग थी, तो किस केस में कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह पता होनी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। Till then, till next lecture, thank you so much. Assalamu alaikum.